जो है अलबेला मदनैनों वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है। पर आपको ऑफिशियली वेलकम करने के लिए हमारे किसना परिवार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री पराक्षा जी को कि वह हमारे साथ यहां पर स्टेज पर ज्वाइन होए और आपको वेलकम करें ऑफिशियली। जोरदार तालियां हो जाए पराग भाई के। सुकेम छो मजामा जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग। आई वेलकम श्री धनजी दादा और हरि कृष्ण ग्रुप डायरेक्टर्स फैमिली मेंबर and partners, Sri Jagdeep Kapoor, our brand guru, Sally Bhagat, brand ambassador. I also welcome our esteemed distributors, retailers,
our bankers and invitees. હું આપણા હરે કૃષ્ણ પરિવારને ભી સ્વાગત કરું છું. On the eve of 8th Kisna Conference, I welcome you in the city of Diamond. हम सबको गर्व होगा कि हम उस जगह पे है जहां दुनिया के जब 10 हीरे बनते हैं उसमें से 9 सूरत में बनते हैं. A very big cross. બીજી એક વાત, હમારે મેં કહેવત હૈ કાશીનું મરણ અને સુરતનું જમણ. સો આઈ થિંક યુ વિલ એન્જોય અવર હોસ્પિટાલિટી. થેન્ક યુ એન્ડ આઈ અગેન વેલકમ યુ. આજ હમારે સાથ કુછ એસ્ટીમ ગેસ્ટ ભી યહાં પર હૈ. આપને ઇસ પૂરે જર્ની કે દૌરાન આપને કેપિટલ બિલ્ડિંગ સે શરૂઆત કી જૈસે હમને ભી શરૂઆત કી, ફિર આપ યહાં પર આયે, યે કેમ્પસ દેખા, હમારી ફેક્ટરી દેખી. લેકિન કુછ એસ્ટીમ ગેસ્ટ હમારે સાથ યહાં પર હૈ જિનસે हम आपको मिलवाना चाहते हैं. या जोरदार तालियों से स्वागत करें अ मैन हु एक्चुअली नीड्स नो इंट्रोडक्शन. द अप्लॉज सेज इट ऑल. श्री घनश्याम भाई ढोलकिया जी, ही इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड to all those who are related to Kisna. Good evening. Hari Krishna Group Ayojit Kisna Conference mein aaye hue hamare sabhi, all over the India se distributor, retailer, bankers, hamare senior partner, mere parents, Kapoor sir, brother aur all sab aaye hue hamare well wisher. सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. आप लोग को वैसे कृष्णा के बारे में तो पता है सभी लोगों को, पर सूरत में ये पहली बार कृष्णा का आयोजन हुआ है. अभी तक तो 8 साल से बॉम्बे में करते थे. बहुत टाइम के सोचा कि एक बार सूरत में और गुजरात में करे के जहां पे हरि कृष्ण ग्रुप की कर्म भूमि है, जहां से हरि कृष्ण ग्रुप की शुरुआत हुई है और आज पूरे वर्ल्ड में गए है. तो लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि अगला कॉन्फ्रेंस गुजरात में रखेंगे. तो पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग आए हुए हैं. जैसे पराग भाई ने बताया कि इंडिया तो अल्टीमेट हीरा तो अल्टीमेट इंडिया में और इंडिया में सूरत में बनता है. बहुत सारे कंपनी इधर से आगे गई हुई है. भाई साहब ने बताया अमिताभ का, पर मैं उसको बोल दूं कि अभी उसका जमाना खत्म हो रहा है, अभी कुछ नया एग्जाम्पल उसको देना पड़ेगा. पर वो मेहनत में उसका नाम है वर्ल्ड में और दुनिया में कि 70 की साल में भी अभी तक काम कर रहे हैं. हरि कृष्ण ग्रुप कृष्णा ब्रांड चार चीज में मानते हैं. उसमें सबसे पहले है क्वालिटी. और वर्ल्ड में जो भी ब्रांड बनी है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि 100 में से 3 नहीं, 1000 में से 1000 ब्रांड बिल्ड होवे उसमें से 3 बनती है, और वो 3 में हरि कृष्ण का नाम लाने का है. तो बहुत मतलब बहुत हार्डवर्क, मेहनत, दिल, मनी, इन्वॉल्वमेंट तभी ब्रांड बनेगी. 100 में से 3 नहीं है, 1000 में से 3000 ब्रांड बिल्ड होवे तो 3 होती है. तो उसमें सबसे पहले कोई भी ब्रांड बनती है तो क्वालिटी से बनती है. तो हरि कृष्ण का सबसे पहले वो चार चीज में पहली है क्वालिटी, दूसरी है कमिटमेंट, तीसरी है सर्विस और चौथा है ट्रांसपेरेंसी. ये चार चीज हरि कृष्ण ग्रुप की कृष्णा ब्रांड की फिलोसॉफी है. ट्रांसपेरेंसी की जो बात करें तो हरि कृष्ण का भी स्लोगन है फेथ इन द नेम, विश्वास. और कृष्णा का स्लोगन है जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का. ये ज्वेलरी जो है वो परिवार का डिसीजन है. हम सालों से वो बात को मानते हैं और आज भी जो डिसीजन है ज्वेलरी का वो विश्वास और परिवार का है. उसके लिए हमने परिवार में का नाम का कपूर सर ने दिया हुआ है. दूसरा मैं बोलता हूं, आगे शायद बोला है लेकिन बोल दूं, हमारा सपना क्या है. कृष्णा ब्रांड का यह सपना है कि पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में जिसको भी डायमंड लेने की इच्छा होवे तो एक बार वो कृष्णा का प्रोडक्ट देखे, कृष्णा का क्वालिटी देखे. ये हमारा सपना है. आज की तारीख में कृष्णा 400 टाउन में मिलती है. कल ही कपूर सर ने बताया कि बहुत बड़ी बात है 400 टाउन,
लेकिन साथ में ये भी मैसेज दिया कि इंडिया में 8000 टाउन है, तो अभी बहुत सारा बाकी है, तभी हमने जो सोचा है वो हासिल होगा। तो 8000 टाउन में उसमें से कृष्णा जो है वो 400 में मिलती है। कृष्णा ने लास्ट ईयर 61% का ग्रोथ किया हुआ है, जो डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायमंड का और गोल्ड का बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, प्राइस बढ़ गया, गोल्ड में इंपोर्ट कम हुआ, सब प्रॉब्लम होने के बाद भी 61% का ग्रोथ किया हुआ है कृष्णा ने, जो पूरा कृष्णा का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पूरी टीम सभी के लिए प्राउड की बात है। उसके साथ में हरि कृष्ण ग्रुप ने जो 2012-13 में जो किया था उसके सामने 13-14 में हरि कृष्ण ग्रुप ने 104% का ग्रोथ किया है। तो आज भी उसको रोल मॉडल करने का है कृष्णा को, तो हरि कृष्ण आगे है। जैसे कपूर सर ने बोला कि 4000 में हो अच्छी बात है, 400 में हो अच्छी बात है, लेकिन 8000 टाउन है। सेम 104% का ग्रोथ किया है हरि कृष्ण ने लास्ट ईयर टू दिस ईयर, मतलब लास्ट ईयर किया था 2100 करोड़ का और ये साल किया 4300 का। पूरे ग्रुप का लास्ट ईयर था 2500 का और ये साल पूरे ग्रुप का है 5000 करोड़ का। और मैं सभी दो दिन से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर हमारे साथ में है, मैंने बहुत सारे को तो बताया हुआ है कि कृष्णा का क्या लक्ष्य है। अभी आप देख रहे हैं तो सभी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया जो है सुपर पावर हो रहा है, पूरे वर्ल्ड की नजर इंडिया पे है और हम इंडिया में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं कि इंडिया भी पावर बन रहा है, पावर बन रहा है और मोदी आ रहा है। तो जो मोदी आ रहा है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और उसमें गुजरात में से वो आगे आए हुए है, तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर को और रिटेलर को बताता हूँ कि हमारा जो टारगेट है, मैंने बताया ना कि हरि कृष्ण ग्रुप का 5000 करोड़ का है। आज की तारीख में 450 डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर द इंडिया में हरि कृष्ण का, और हरि कृष्ण को ग्रुप को कृष्णा को पहुंचने का है 5000 करोड़। तो बहुत सिंपल है, सभी लोग एफर्ट करें, जान लगा दे, तो हर महीना 1 करोड़ का उसको खरीदने का है। 450 डिस्ट्रीब्यूटर है, 1 करोड़ का खरीदे तो हर महीना जो है 450 करोड़ इंटू 12, तो 5400 करोड़ बहुत दूर की बात नहीं। और मेरे को विश्वास है पूरे डिस्ट्रीब्यूटर और पूरे रिटेलर को कि उसने हरि कृष्ण ग्रुप की फिलोसॉफी आज आके देखा और मालूम पड़ा कि वो लोग जो बोल रहे और कर रहे उसमें क्या है। तो जो बोल रहे वो कर रहे, तो मेरे को नामुमकिन नहीं लगता है कि कृष्णा को 5400 करोड़ पहुंचने में। इंडिया में जो 450 हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है और 700 डिस्ट्रिक्ट है, खाली इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ, 700 डिस्ट्रिक्ट है और हमारा कृष्णा का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का टारगेट है 800। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा तो वो सपना पूरा होगा ना कि कोई भी डायमंड ज्वेलरी लेने के लिए जाए, वो कृष्णा को लेने की इच्छा होवे, वो स्टेट में या तो वो टाउन में या तो वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है तो सपना अधूरा रहेगा। तो आज की तारीख में 450 है और 800 डिस्ट्रीब्यूटर हमको बनाने का है। और कृष्णा के बारे में बताऊं और दिल से करने की बात में बताऊं तो मैं आगे भी बताया हुआ है कि सभी के पास दो ऑप्शन है, या तो जो आप कर रहे हैं उसको पसंद कर लो, नहीं तो दूसरा आपको जो पसंद आवे वो पसंद कर लो। हम फैमिली में भतीजा हो, सबको जब भी चॉइस करने का बाकी था तभी बोलते हैं आपकी जो चॉइस के हिसाब से आपकी वाइफ पसंद करो, और हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं, हमको ऑलरेडी मिली हुई है पसंदगी से या ना पसंदगी से, तो उसको पसंद कर लेते, तो उसमें जीने की मजा आती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर सभी को बोल रहे, बहुत सारी ब्रांड इंडिया में है, अभी आप कृष्णा के साथ में जुटे हुए हैं तो वो ब्रांड को हमारी मान लो, तो हमारा जो सपना 1 करोड़ का है और हर हर घर में मिलनी चाहिए कृष्णा, और कृष्णा डायमंड ज्वेलरी कोई भी लेने के लिए जाए तो एक बार कृष्णा का प्रोडक्ट देखे तो पसंद कर लो, मेरा तो ये कहने का है। लास्ट में आपको बताऊं, मैं बहुत बार बताता हूं कि जिसको लीडर सीईओ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड बनने का ऑफ द फैमिली, तो तीन चीज मैंने खुद को सीखी हुई है तो आपके साथ में शेयर करता हूं। जो काम आपको करने का है वो कोई याद करवाता है कि आप खुद कर लेते हो? जो आप खुद कर लेते हो तो आप में सीईओ हेड बनने का आप में चांस है। दूसरी चीज, जो काम करते तो है, टाइम पे करते कि टाइम के बाद करते? मोदी को टाइम मिला कि यही सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है तो पूरी जान लगा दी, लास्ट हम देख रहे हैं 300 से ज्यादा मीटिंग किया, ये उसके
चार साल पहले इलेक्शन में किया होता तो मोदी नहीं आता, चार साल बाद में भी वो खड़ा रहते थे तो भी शायद नहीं आता। तो टाइम पे करे उसकी वैल्यू है। और तीसरी चीज ये है कि जो हम करते हो, जो हम बोलते हैं वो करते हैं, बोलने का अलग और करने का अलग। तो लोग हमारे पे विश्वास नहीं रखेंगे तो लीडर सीईओ नहीं बनेंगे। हम सभी ये तीनों चीज को माइंड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है सभी रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और पूरे कंज्यूमर, अभी तो कंज्यूमर हमारे इन हाउस कंज्यूमर वाले भी कृष्णा खरीदने लगे हैं। और मेरे को विश्वास है कि पूरे हरि कृष्णा ग्रुप के परिवार कृष्णा डायमंड खरीदेंगे तो जो हमारा सपना है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। आप सभी लोग आए दिल से, दो दिन से सूरत का विजिट किया, उसमें हमारी कोई भी तरह से कुछ प्रॉब्लम रह गया, कुछ डिफिकल्टी हुआ तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे तो उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी तो हमने ये सोच रहे हैं कि अगले साल कृष्णा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे करें। इंडिया में 29 स्टेट है तो जो स्टेट का सबसे ज्यादा सेल आएगा कृष्णा कॉन्फ्रेंस हम वहां पे करेगा। जय स्वामीनारायण। ब्रांड गुरु जगदीप कपूर का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर समसिका मार्केटिंग कंसल्टेंट्स के। पहले आप सभी लोगों का बहुत 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 हार्दिक स्वागत। और ये पहली बार सूरत में हुआ है कृष्णा एनुअल कॉन्फ्रेंस और बहुत खुशी है। और मुझे पता है कि आप सबको भी बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा होगा। स्लाइड्स बताने से पहले मैं तीन चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे पास टोटली पिछले 18 साल से करीबन 664 क्लाइंट्स हैं, 674 क्लाइंट्स से हमने काम किया है। अभी भी करंटली अबाउट 92 क्लाइंट्स हैं जिनके साथ साथ में काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे परिवारों के साथ काम किया है। मगर एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो खुले दिमाग से और जो दिल से साहब जी भाई, घनश्याम भाई, पूरा हरे कृष्णा परिवार, पूरा ढोलकिया परिवार काम करता है, सोचता है और आगे जाता है, मैंने कभी नहीं देखा है। वो अलग ही है और इसके लिए बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए। ये जो हरे कृष्णा ग्रुप है, इनके जो लीडर्स हैं, इनके जो परिवार में सिर्फ हस्बैंड नहीं, वाइव्स भी, बच्चे भी, सभी लोग जिस ढंग से काम करते हैं, जिस ढंग से चीज सीखते हैं फिर उसका अमल करते हैं, तो इस चीज के लिए मुझे याद आता है कि मेरा ब्रांड मंत्र है कि चार चीज करनी चाहिए और ये चारों करते हैं। अगर आपको बनना है अव्वल, मतलब नंबर वन, AWAL, बहुत बार बताता हूं मैं, मगर ये परिवार के लिए मैं ये ट्रिब्यूट देना चाहता हूं, ये मुबारकबाद देना चाहता हूं उनको, क्योंकि ये परिवार करता है ये। तो पहली चीज है उनको अव्वल बनना ही है। जैसे अभी अभी घनश्याम भाई बोल के गए कि भाई हमारे को तो नंबर वन बनना है, 5,000 करोड़ करना है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1 करोड़ करेगा, 450 डिस्ट्रीब्यूटर इंटू 12, पूरा सोच करके अव्वल बनना है। दोपहर को साहब जी भाई ने बताया अव्वल बनना है आपको, खुद को, कंपनी को, आपकी एरिया को। बहुत अच्छी बात कही साहब जी भाई ने कि अगर आप किसी का फायदा करोगे तो आपका फायदा होगा। और ये सब भावना, ये सब सोच अव्वल सोच होती है। मगर उसके साथ तीन और चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आपको अव्वल बनना है तो AWAL का W निकाल दो और उसके अंदर K डाल दो, तो उसके लिए आपको अक्कल की जरूरत पड़ेगी। अक्कल के बिना तो कर नहीं सकोगे, राइट? अगर अव्वल बनना है AWAL तो अक्कल भी तो होनी पड़ेगी ना। तो वो व निकाल के क डाल दो तो अक्कल की जरूरत पड़ती है, जो इनमें भरपूर है। उसके बाद अगर नीति बनाई है, स्ट्रेटेजी बनाई है, पॉलिसी बनाई है, सिस्टम बनाई है, जैसे जब हमने शुरू किया ये ग्रुप के साथ तो बहुत सी चीज इंडस्ट्री में कभी होती नहीं थी, कभी नहीं होती थी। ये कभी नहीं होता था कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस पेमेंट करता है। आज हमारे पास 450 है जो प्यार से करते हैं। कभी नहीं होता था कि MRP पे ज्वेलरी ब्रांडेड बिकती है। कभी नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटर की टेरिटरी होती है। कभी नहीं होता है कि 400 या 450 सेल्स वाले हैं, पूरी आर्मी है। ये सब चीजें पहली बार थी। मगर जब
उन्होंने ठान लिया अव्वल बनना है, ठान लिया कि अक्ल इस्तेमाल करनी है, तो इन्होंने ये भी ठान लिया कि जो भी नीति हमने बताई, स्ट्रेटजी पॉलिसी बोली, उसको अटल रखना है। तो क को निकाल दो और ट डाल दो तो अटल हो गया। मगर क्या हो जाता है कि अव्वल बनना है, ये सपना है, अक्ल है, ये आपकी काबिलियत है, अटल है, ये आपका अनुशासन है, मगर उसके साथ अगर ट निकाल के म नहीं डालोगे तो अमल नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो अगर आपको अव्वल बनना है तो अक्ल का इस्तेमाल करो और उसके साथ अटल रहो, नीति में अमल करो, अव्वल बनोगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे बहुत सारे टाउन्स में, आपको पता है कि बहुत सारे टाउन्स में इंडिया में कोई और ब्रांड नहीं है, कोई और ब्रांड डायमंड का नहीं है, सिर्फ कृष्णा है। बहुत सी जगहों के बहुत सारे हैं, तो हम वो जगहों पे पहुंच चुके हैं जो कोई नहीं पहुंचा है। तो वो जो भावना है कि अव्वल बनने की चाह, अक्ल इस्तेमाल करने की, अटल नीति रखने की और अमल करने की, वो मैं पूरा मुबारकबाद कृष्णा फैमिली को, सावजी भाई को, घनश्याम भाई को, उनके भाइयों को, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ्स को, सभी पीढ़ियों को देना चाहता हूं। उसके लिए जरूर जोरदार ताली तो बजाना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर हम 400 टाउन में पहुंचे, जैसे घनश्याम भाई सही कह रहे हैं, ये रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी रास्ता जारी है। और 400 टाउन से 8100 टाउन, उसके बाद 6.5 लाख गांव भी है हाँ इंडिया में। टोटल 8000 टाउन है और 6.5 लाख गांव भी है, गांव की बात नहीं की अभी तक। तो आप सोचो क्या पोटेंशियल है। आपको उदाहरण देता हूं, हम लोग सूरत में बैठे हैं, क्यों ये उदाहरण देता हूं कि पोटेंशियल जो है वो आपको समझना है। अगर आप सूरत को, मुंबई को, थाना को, पुणे और नासिक, ये 5 टाउन को गिन लो, उसकी पॉपुलेशन 28 मिलियन है, सिर्फ 5 टाउन, 8100 टाउन में से 5 टाउन, सूरत, पुणे, थाना, मुंबई, नासिक, 28 मिलियन। अभी उसकी तुलना करो 28 मिलियन की, आपको पता है 28 मिलियन का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है 7 न्यूजीलैंड, 7 न्यूजीलैंड की कंट्री हमारे नाक के नीचे है। पूरा इंडिया तो बहुत बड़ा है। और इसलिए आखिर में ये बताना चाहता हूं बिफोर आई शो द स्लाइड्स कि क्या प्रगति हुई है और क्या गति से हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सावजी भाई भी कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोच। और मेरा ब्रांड मंत्र आपके लिए, सोच को बढ़ाओ सब कुछ बढ़ेगा, नहीं तो अगर सही नहीं होगी सोच, आपको मिलेगी मोच, स्प्रेन, पेन। तो इसलिए खुशी के रास्ते से जाओ, खुदकुशी के रास्ते से नहीं, और आगे बढ़ाओ अपने आप को, अपनी किस्मत को, अपनी इज्जत को, अपनी कमाई को। और सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, सेल्स वालों को, सभी परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और प्रगति गति से कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियों हो जाए सब के लिए। जी हाँ, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर चार्मिंग गर्ल सयाली भगत। केम छो सूरत, केम छो किसना परिवार, केम छो बदा। अच्छा, सबको तो अभी तक आई थिंक 2 दिन तो हो गए सबको यहाँ पर सूरत में आकर, तो इतना तो केम छो तो पता ही होगा। तो मजामा तो बोलो, केम छो, हाँ मजामा। ये 4 लाइंस तो आप अभी बिल्कुल सीख लीजिए, अगर आपको अभी तक किसी ने सिखाया नहीं है तो आप बिल्कुल सीख लीजिए। केम छो, कैसे हो, मजामा, बहुत मजे में है, केऊ लाई गयो अइया, कैसा लगाया यहाँ। तो अगर आपको अच्छा भी नहीं लगा हो तो बहु मजा आई भी, इसका ऑपोजिट क्या होता है मैं आपको सिखाने वाली नहीं हूं। तो केऊ लाई गयो अइया, बहु मजा आई भी। तो इतने आई थिंक मेरी गुजराती क्लास आपके साथ 4 लाइनों में ही मैं खत्म करती हूँ कि इतनी प्रगति होने के बाद हम इस होम ग्राउंड, होम टाउन एंड इस बर्थ प्लेस ऑफ किसना पर आए हैं। एंड एक था मथुरा जहाँ कृष्णा जी का जन्म, और यहाँ है सूरत जहाँ किसना का जन्म हुआ था।
और यहाँ से किसना आप सबको पहुँचता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सब यहाँ पर मौजूद है। इंडियन टीम का जिस तरह बहुत ज़्यादा हौसला और हम पर इंडियन टीम पर बहुत ज़्यादा विश्वास कब बढ़ता है, जब वो होम ग्राउंड पे खेलते हैं। तो जैसे इस ब्रांड का हमेशा से मंत्र रहा है, जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का, अब होम ग्राउंड में आकर उम्मीद है आप किसना पर जो विश्वास है वो और भी बढ़ गया होगा और प्यार और भी बढ़ गया होगा। थैंक यू सो मच। श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी को मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, गोविंद भाई के लिए। इनका साथ, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। बधाने आ दुनिया में बधु मळतो नथी, तो ये भगवान की दया छे। हमारा जो ढोलकिया फैमिली में, हरि कृष्ण ग्रुप में, कृष्णा ब्रांड के लिए सारा भारत में से, विविध सब शहर में से आए हुए सब व्यापारी लोग, और जो स्पेशल गेस्ट है कपूर जी, मैंने तो आज उसको पहली बार देखा, सुना बहुत था, मगर आज पहली बार सुन के लगा कि ये कोई व्यक्ति विशेष है। और जो कृष्णा अपनी दौड़ रही है उसके, वो अभी तो बहुत, वो तो फ्लाई करेगी कृष्णा, ऐसा लगता है कि वो भारत में से भी बाहर जाएगी। तो अभी मेरा वडिल तरीके आशीर्वाद है कि अभी जो घनश्याम भाई ने 5,000 करोड़ का कृष्णा के लिए जो टारगेट दिया हुआ है, वो भविष्य में वो बढ़कर 10,000 करोड़ हो जाएंगे, और विदेश में जाके कहाँ वो ठहरेंगे वो तो भगवान को मालूम। तो मेरा आशीर्वाद है कि जितना उसका हृदय बोलता है, और उनके लिए पूरा फैमिली का, जो कपूर जी ने बात बोला ऐसे कि पूरा फैमिली इतना उत्साहित है, तो ये कृष्णा ब्रांड अभी जो उड़ने लगेगी तो हमारा आशीर्वाद रहेगा। और हमको देख के जैसे बाप से सवाया बेटा होता है, तो सब फैमिली में खुद को बहुत आनंद आता है, ऐसा हमको भी, हमारा फैमिली में हमारा सब जो लड़के लोग सेकंड जनरेशन ये इतना वर्ल्ड लेवल का काम कर रहे हैं, उसकी बहुत खुशी है। आप लोग सब यहाँ हमारे सूरत में पधारे, शोभा बढ़ाई, उसके लिए थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां बजाओ फॉर द वन एंड ओनली श्री साहूजी भाई ढोलकिया जी। पराग भाई ने जोइन तो एम लाग्यू कि बधाई आया तो ट्रेनर पैदा થાય છે, ખરેખર સાયલી ભગત મોડેલ આજે ટ્રેનર જેવી વાત કરે છે, કારણ કે કાળિયા પડખે ધોળિયો બાંધે વાન નો હાન આવી ગયો। હવે ये हिंदी वाले कुछ समझे नहीं है, लेकिन उसको पता चल गया कुछ अच्छा बोला है। वैसे पराग भाई तो कभी कभी जब भी आया था ना, तभी बोलता था तो हमको लगता था उसको घर से बराबर टिप के भेजा है, कुछ बोलता ही नहीं है, और आज कितना स्ट्रॉन्ग बोल रहा है। उसको जगदीश कपूर ने क्या खिला दिया पता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि इसके साथ, जिसके साथ रहो ऐसा हम बन सकते हैं। हमको, हम दो चीजें पर मैं बात करना चाहता हूं, वो हिसाब से मैं बात करूं तो हम लोग जो काम करते हैं हमारा सेल नहीं बढ़ता है। हम अपने आप को सोचे, क्या हम खरेखर, हम हृदय से, भावना से जो हमारे साथ डील करता है, हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर और हमारा सेल्स मैनेजर साथ में जाता है रिटेलर के पास, वो रिटेलर का सेल बढ़ता नहीं है, वो कंप्लेन करता है, तो आप सोचो कि मैं उसके लिए क्या करता हूं। उसको इतना प्रेम से समझाओ, ये ब्रांड के बारे में समझाओ, दूसरी ब्रांड के बारे में समझाओ कि कृष्णा क्यों अच्छी है, कृष्णा में क्या क्वालिटी है, कृष्णा ग्रुप क्या है। मैं आपको ब्रांड नहीं बेचने आया हूँ, मैं आपको ज्वेलरी नहीं बेचने आया हूँ, मैं अपना भाव बेचने आया हूँ, अपना दिल बेचने आया हूँ, अपना प्रेम बेचने आया हूँ। तो मैं कुछ भी करके कन्विंस करो, और एक एक करके तो अपना जो एरिया है, आप जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो एरिया का पूरा मार्केट कवर करो। आपको बैठी मोनोपोली मिल गई है, एक बार 10 साल 5 साल आप ये एरिया का सब ज्वेलर्स को
कमिटमेंट करके सबके साथ सप्लाई करेंगे, बाद में आप कुछ नहीं करेंगे तो रॉयल्टी मिलेगी। हम लोग जो आपको कहने जा रहे हैं, मेरा तो वैसा सपना है कि 450 डिस्ट्रीब्यूटर पहले 100 करोड़ पे कैसे पहुंचे, कुछ भी हो जाए ये ऐसा 100, क्योंकि हम लोग छोटे हैं और जब भी 100 करोड़ का सेल होगा तो अपनी आप पर अपने को गर्व होगा। और लास्ट में सूर्य की हर किरण रोशनी दे आपको, सूर्य की हर किरण हिम्मत और कमिटमेंट दे आपको, फूल की हर कली खुशबू दे आपको, फूल की हर कली खुशबू और प्रेम दे आपको। हम तो कुछ देने के लायक नहीं है, फिर भी अनुभव थोड़ा दिया है, देने वाला भगवान हर खुशी दे आपको। थैंक यू वेरी मच। इंतजार की वो घड़ियां खत्म हो गई हैं जी। KPCLP यानी किसना प्रिविलेज कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत हम लोगों को स्टेज पर बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियों से हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस का स्वागत करें, द वेरी एलिगेंट फैशन शो।
हमारे रिटेलर्स के लिए केपीसीएलपी यानी कृष्णा प्रिविलेज कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत हम उन्हें भी सम्मानित करना चाहते हैं. टाइम फॉर ऑल रिटेलर्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड केपीसीएलपी एनुअल स्लैब ऑफ रुपीज 60 lakhs in 2013-14. एंड जैसे कि आपको पता है ये स्लैब को कंप्लीट करने के लिए हुंडई i20 2012 मैग्ना 1.2 मोटर कार मिलती है. द विनर इज फ्रॉम उत्तराखंड हरिद्वार से गणेश ज्वेलर्स, पद्मावती ज्वेलर्स अहमदाबाद से, बिहार से जी हाँ पटना से कृष्णा ज्वेलरी हाउस, बिहार से फिर एक बार गया कांकलेश ज्वेलर्स, झारखंड से फ्रॉम रांची बडानी ज्वेलर्स, बुलंदशहर उत्तराखंड से मंगलम ज्वेलर्स, उत्तराखंड से फिर एक बार छेदीलाल द्वारिका प्रसाद सारफ, नवरंगपुर ओडिशा से पारसनाथ ज्वेलर्स, चिंसुरा वेस्ट बंगाल से दत्तगिरी मैंशन, गुलाब चंद्र ज्वेलर्स सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से. स्पेशल रामलीला थीम पर फैशन शो आपके लिए प्रस्तुत होने वाला है. नजरें आपके स्टेज पर और यहां पर इट्स टाइम फॉर लाइट्स कैमरा एंड ग्लैमर वंस अगेन.
Put your hands together. Our brand ambassador of Kisna. Zordar taaliyon se swagat ho jaye Sayali Bhagat. Our brand ambassador, Sayali ji, and the entire team at the fashion show. The entire fashion show is brought to you by Anne Sibens and Huey and Antonio behind it. जो आपके लिए होने वाला है, वो बहुत ही खासम खास है. Lucky draw. पूरे एक साल से हम, you know, इस moment का इंतजार करते हैं, और आज पूरी शाम से हम इस lucky draw का इंतजार कर रहे हैं. And friends, अब वो नाम जिसने जीता है 9th प्राइस ऑफ लकी ड्रो. ओपन नंबर है 1940. जीजे 4108. गुजरात को गया है ये प्राइस. एफओ मुंबई 1374. प्राइस जाता है 1197. भाई
हैप्पी इज वन बिग हैप्पी ग्रुप. ये लगातार दूसरी बार इनका लक्ष्य होगा जोरदार जाने हो जाएंगे दूसरी बार लगातार. जैसे कि हम फोकस कर रहे हैं कौन बनेगा ये लकी विजेता, ये एक मौका किसे मिलेगा टू विन द ग्रैंडेस्ट ऑफ द ग्रैंड प्राइज द फर्स्ट प्राइज मारुति सुजुकी का विनर है. दिल थाम के बैठ जाइए फ्रेंड्स, अभी ये नाम अनाउंस होने वाला है. विनर ऑफ द ग्रैंडेस्ट ग्रैंड प्राइज पंजाब हरियाणा से 1328 पंजाबी तुसी छा गए दिल विच. ये दिल पकड़ पकड़ के आ रहे हैं. You can't believe this. It's a winner. जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं हम सभी लोग. फर्स्ट प्राइज ने इनके दिल विच घंटी बजा दी है. क्यों जोरदार तालियां हो जाए फर्स्ट विनर के नाम. You have to do a walk. जोर जोर जाने हो जाए. मुझे लगता है इन्हें दो दो प्राइज मिल गए. ये तो बोनस है बॉस. Let's have a huge round of applause for our winner. इसे कहते हैं rocking. ये ग्रैंड प्राइज है. जोरदार तालियां हो जाए फॉर अ विनर. आपको गाड़ी तो मिली साथ में माइक भी मिला और रैंप वॉक करने का मौका मिला. हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? कैसी फीलिंग आ रही है दिल से बताइए सर. शुक जो बोले सो निहाल. सर जी पहली बार मैंने अभी दो हफ्ते पहले ही कृष्णा का डिस्ट्रीब्यूटर बना हूं. आई थिंक सबसे नया डिस्ट्रीब्यूटर मैं ही हूं. सो मैं बहुत खुश हूं. मेरे पास और वर्ड नहीं है. प्लीज थैंक यू सो मच. थैंक यू. अ बिग थैंक यू टू ऑल आवर डिग्निटरीज जिन्होंने लगातार स्टेज पर उपस्थित रहकर इस इवनिंग को और भी खास बनाया एंड आपकी एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. वी हैव पीयूष ऑन द फाइन ट्यूनर्स इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 1 के रनर्स अप. डांस फ्लोर पे आ जाए सभी. कम ऑन एवरीबॉडी. That's more like it. Come on, come on, come on. नाता पे तुकी बिल लगी से
छोड़ना जाने आने वाले कल की फिक्र को छोड़ना जाने ना दिल पकड़ के खड़ा है कंबख्त छोड़ना जाने ना ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना जाने ना जाने बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मारे ना और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन 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 मैं हूँ डॉन मैं हूँ अरे तुमने जो देखा है सोचा है समझा है जाना है वो मैं नहीं लोगों की नजरों ने मुझको चाहा जो भी माना है वो मैं नहीं आवारा बादल को सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन Come on! यारों का वो यार हूँ यारी में ये जान लुटा दे दो मैं हूँ वही दुश्मन का दुश्मन हूँ वो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे दो मैं हूँ वही तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है मैं दिल में कैसा है कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने देख इधर यार ध्यान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं है ये तेरे बस का क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं है ये तेरे बस का होश में आ जा ज्ञान किधर है होश में आ जा ज्ञान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है चलो चलो है सभी तेरे बीमारी खा बोल है
मेरी तरफ जो उठा है तन के कटके बही हाँ गिरा बदन से तरफ जो उठा है तन के कटके बही हाँ गिरा बदन से सामने आए किसका जिक्र है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है ओए होए लेती हूँ मैं जब जोर जोर से तू आह की आवाज है आती हरोर से मैं तो चलूँ इस कदर चमक जाए रे कदर ओ जवाने भी मत होश आए रे नजर मेरे फोटों को मेरे फोटों को सीने से यार चिपका ले से या मैं भी काल से मेरे फोटों को सीने से यार चिपका ले से या मैं भी काल से रेडी तैयार पटाले तैयार मिस कॉल से मेरे फोटो को सीने तैयार चिपकाले तैयार फैमिली कॉल से झूम 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 बराबर झूम 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 बराबर झूम 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 ले झूम ले बस में झूम ले ओ कोई कहे चित जो ओ कोई कहे मत दिखो ओ कोई कहे चित चोर कोई कहे मस्ती खोर गोपियों का गोपाल नंद लाला खबर खबर चारों ओर इधर उधर मचा शोर लगे ग्वालों का बैंड मत वाला नंद का लाला रे यार तुझे छोड़ेगा ना रे तुझे छोड़ेगा ना तुझे वाला गोविंदा आला रे आला जरा मटके संभाल ब्रज बाला गोविंदा आला रे आला तुझे संभाल ब्रज बाला कहीं बैंजो गिटार कहीं ढोलक मृदंग कहीं बैंजो गिटार कहीं ढोलक मृदंग कहीं छाई तरंग कहीं छाई उमंग करन सारे हुड़दंग करन सारे हुड़दंग के ग्वालों का बैंड मत वाला नंद का लाला रे आला सदा मटके संभालो मधुबाला नंद का लाला रे आला सदा मटके संभालो मधुबाला मटके संभाल ब्रज बाला गोविंदा आला रे आला जरा मटके संभाल ब्रज बाला ये मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे ए आया बेरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया बेरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे मच गया शोर सारी नगरी रे आया बेरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया बेरज का बाका